हेलो फ्रेंड्स, करण कुंदन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जाम मोटर को कैसे ठीक करते हैं। अब हम अपनी सेकंड वीडियो में मोटर के सारे पार्ट्स की सेटिंग या फिटिंग और जो भी प्रॉब्लम है उसे कैसे ठीक करेंगे ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जेन पेपर की मदद से और हथौड़े की मदद से वासेट बनाएंगे, जिससे ये होगा कि पानी लीक नहीं होगा और हवा अंदर नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह सारे बासठ बना के तैयार कर लेंगे। इससे ये होगा कि सारे बासठ बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि बूस खराब होने के कारण ये जाम था, अब हम इसमें से पुराना बूस निकालेंगे और नया बूस डालेंगे। और धागे की मदद से नट को अच्छी तरह से कस लेंगे ताकि लीकेज ना हो। अब ग्रीस लगा के वासेट लगाएंगे और बारी बारी से इसी तरह सारे वासेट लगा लेंगे।
उसके बाद हम सॉफ्ट में ग्रीस लगाएंगे और ग्रीस लगाकर एम्पेलर चाबी लगाकर सॉफ्ट में एम्पेलर सेट करेंगे। और इसी प्रकार हम दूसरा एम्पेलर भी लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसे सेट करना बहुत ही आसान है। बस हमें इस तीनों हाईएस्ट पॉइंट को मिलाना है और ये इजीली सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब हम इसे नट की मदद से कस लेंगे। उसके बाद ग्रीस लगा के गैलन फिट करेंगे ताकि पानी लीक ना हो और पंप हवा ना ले। ये पंप 1440 RPM पर पानी देती है। उसके बाद गैलन वाली नट को कस देंगे अच्छी तरह से।
अब हम सॉफ्ट में से चाबी निकालने के बाद बेयरिंग फिट करेंगे। ये बेयरिंग आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएगा। बेयरिंग का नंबर है 6201। इस पंप का बेयरिंग भी ख़राब था जिसके कारण ये जाम था। अब हम ऑयल नट भी फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि पंप को रिपेयर करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे मोटर के साथ फिट करेंगे। सारे नट्स को अच्छी तरह से लगा लेंगे और उसे अच्छी तरह से कस देंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये जाम था और ये घूम भी नहीं रहा था। आप देख सकते हैं, अब आप ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, आसानी से घूम भी रहा है। अब हम इसमें आपको पानी डाल के इसको चेक करके दिखाएंगे। अटैच कर दिया है। आप सब देख सकते हैं कि पानी बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा सेकंड पार्ट अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।